का बहुचर्चित छेड़छाड़ का मामला अब पेचीदा हो गया है। जमानत पर बाहर आए आरोपी लड़के ने ऐसी किसी घटना से ही इनकार कर दिया, तो एक चश्मदीद का भी दावा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। चौबीस घंटे पहले तक ये शख्स दिल्ली का विलेन नंबर एक था, लेकिन दिन बदलते ही कहानी बदलती नजर आने लगी है। जसलीन कौर नामक लड़की ने फेसबुक पर यह तस्वीर पोस्ट कर सरबजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन एक चश्मदीद के सामने आने से जसलीन का दावा सवालों में आ गया है। खुद को मामले का चश्मदीद बताने वाले विश्वजीत का दावा है कि ट्रैफिक को लेकर दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी, लेकिन छेड़छाड़ जैसी बात कतई नहीं थी। मोलेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह का अभद्र अपशब्द का इस्तेमाल करना वो बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए तो अपशब्द अगर बोला भी गया है ना, थोड़ा सा टेढ़ी लैंग्वेज, तो मैडम ने ही बोला। क्या बोला था आपके? मैं देख लूंगी, तेरे को पुलिस वाले ही बताएंगे, इस तरह के और भी बहुत सारे बातें उन्होंने कही। लेकिन जसलीन विश्वजीत के चश्मदीद होने के दावे पर ही सवाल खड़े कर रही है। पहली बात तो आप ये बताइए, प्रूफ किसने किया कि वो चश्मदीद है? किसने प्रूफ करा है कि वो सच में वहाँ पे था? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा या पुलिस डिसाइड करेगी, हम तो डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। आपको भी पता है इस केसेस में बहुत आसान होता है किसी भी विटनेस को प्रोड्यूस करना, तो वो अपनी तरफ से तो डिफेंस लाने की कोशिश करेंगे ही ना। डीयू की छात्रा जसलीन ने फेसबुक पर आरोप लगाया था कि ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकने पर सरबजीत ने छेड़खानी की थी। फेसबुक पर तस्वीर वायरल होने के बाद सोमवार को पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद मीडिया के सामने आए सरबजीत ने कहा कि वो खुद पुलिस के पास गया था और जसलीन के आरोप बेबुनियाद हैं। सर, मैं यहाँ से कल रात को 8 बजे यहाँ से निकल रही थी, तिलक नगर में अग्रवाल जो है, और वहाँ पे एक बाइक पे लड़का था, वो सिग्नल क्रॉस कर रहा था, तो मैंने उसको मैं उसकी बाइक के एकदम सामने खड़ी थी और वो बस मुझे हिट करने ही वाला था, तो मैंने बोला कि भैया रेड लाइट है। नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, रेड लाइट इवन मैं क्रॉस लाइन से आगे भी नहीं गया, और मुझे तो वैसे लेफ्ट जाना था, तो जब रेड लाइट का सवाल उठता है कि क्या सड़क पर लड़का लड़की के बीच सिर्फ बहस हुई थी? क्या लड़की सच बोल रही है? क्या लड़के ने सच में बदसलूकी की थी, या सड़क पर हुई बहस को छेड़छाड़ का मुद्दा बनाया गया? चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।